This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. Assalamualaikum and very good morning to everyone. Live Wire की इस ट्रांसमिशन में मैं हूं आपका होस्ट रोहेल इंतखाब. अब उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों और दफातर में महफूज होंगे और पूरा हफ्ता जो गुजर रहा है वो बड़ा ही बेहतर गुजर रहा है. और आपने देखा कि आज जो मिड है यानी हफ्ते का मिड है उसमें बहुत अच्छी खबरें भी हैं और कुछ मनफी खबरें भी हैं. गुज़िश्ता रोज़ आपने देखा कि पूरी क़यादत हमारे पाकिस्तान की और हमारे आर्मी की एक पेज पर नज़र आए और बाकायदा सेनेट में तमाम तर जो इन सेशन रहा हमारे तमाम तर लोगों के साथ जो हमारे सेनेटर्स हैं और पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से आर्मी चीफ के बयानात को देखा. और ये अब चीज़ नज़र आ रही है कि जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है वो बहुत बेहतरी की तरफ गामजन है. क्या पॉलिसी होनी चाहिए, किस तरह से कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, इंस्टीट्यूशंस को अपने डोमेन में रहकर काम करना चाहिए, एक मुस्बत पैगाम ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि जो आलमी इदारे हैं, जो आलमी जरीदे हैं, उन्होंने भी इस बात को लिखा. आज की खबरें थीं बड़े बड़े अखबारों में, बड़े बड़े मैगजीन्स में, आर्टिकल्स में, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान में सिस्टम्स आर गेटिंग स्ट्रेंथफुल. ये कि बड़ी खुश आइन बात है. अभी आपको बताएँ कि स्टॉक मार्केट का बाकायदा आगाज़ हो चुका है. स्टॉक मार्केट भी मुस्बत ओपन हुई है 44 पॉइंट्स के साथ. देखना ही होगा कि आज बाजार की क्या सूरत हाल रहती है और कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं जो मार्केट को सपोर्टिव करेंगे. वेल, इकोनॉमी कहाँ जा रही है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी रहेगी, कितनी नहीं, इन तमाम तरह चीज़ों पर बात करेंगे. इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद मुस्लिम अब्बासी साहब ने ज्वाइन किया है. फॉर्मर चेयरमैन भी रहे हैं सिंध के बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के और सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं और एनालिस्ट भी हैं. मुस्लिम साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं. आई एम गुड सर, माशाल्लाह. गुज़िश्ता रोज़ आपने देखा बहुत बेहतरी लगी इदारों में और हमारे सिस्टम्स के तमाम तर लोग नहीं रही. जी जी, उस पे आपका क्या कमेंट होगा, क्या तब ये इसी तरह चले तो स्टेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी आती जाएगी और इम्प्रूवमेंट होती जाएगी. इसी तरह अगर चलें, अभी तक तो लग रहा है कि कोई हर चीज़ हे वायर हो रही थी, समझ में नहीं आ रहा था कि कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है. अभी भी इस तरीके से अगर रहा, स्टेबिलिटी रही, तो फिर इम्प्रूव करेंगे, इंडिकेटर्स भी इम्प्रूव करेंगे. इस एक्सपोर्ट्स देखें ना, गिरती चली जा रही हैं, गिरती चली जा रही हैं. कोई तदारुद नहीं करने वाला. क्या बात करें, मुझे समझ में आया कहाँ से शुरू करें, किस तरह रीवैम्प करें. कोलेटरल डैमेज हो गया. अच्छा वाली इकोनॉमी जो थी वो टेक ऑफ कर रही थी और एक सडन कोलैप्स ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं क्यों ऐसी हालात. एक इंडिविजुअल पे आप इन्हिसार नहीं कर सकते. अगर आप एक इंडिविजुअल पे डिपेंडेंट हो जाएं कि इसी का नाम तरक्की है, इसी का नाम सीपैक है, इसी का नाम पाकिस्तान है, तो आप कैसे काम करेंगे? मैं तो आपको हमेशा पहले भी हर प्रोग्राम्स में मैंने यही कहा कि मैं तो प्राइवेट सेक्टर को, हमारा जो इंडस्ट्रियल बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको सलाम करता हूँ कि साहब इन हालात में वो हकीकत बात है, हकीकत मैं सैल्यूट करता हूँ उन्हें कि यकीन जाने कि वो किन हालात में वो जो है मेनटेन किए हुए हैं अपना फोकस और फिर भी जतन कर रहे हैं और लगे हुए हैं कि कुछ बेहतरी आए और ऐसी आए कि जो कौन लाएगा सूझमंद हो. मुझे बताएं, फौज का तो काम नहीं है कि वो इकोनॉमी को दुरुस्त करे, वो डिफेंस और सिक्योरिटीज के मामलों पे वाजे कल जो है वो चीज़ें आई हैं और बहुत अच्छा लगा हमें जिस तरह से आर्मी चीफ का बयान आया और बहुत बहुत दिलों में जगह बना रहे हैं आर्मी चीफ, चाहे एक महीने पहले का जो धरने वाला वाकया हो और जो गुज़िश्ता रोज़ की सूरत हाल हो. सर, पॉलिसी मेकिंग कौन बनाएगा, इकोनॉमिस्ट कहाँ है इस मुल्क के, फाइनेंस मिनिस्टर कहाँ है इस मुल्क के, कॉमर्स मिनिस्टर कहाँ है? ये बहुत बड़ा गैप है. और जी कहाँ है, डिसीशन मेकर्स कहाँ है, आपका एक्शन प्लान क्या है, आपकी लॉन्ग टर्म पॉलिसी क्या है, सीपैक इज गोइंग ऑन? सबसे बड़ी बात है इनकम टू द कंट्री नहीं है. इनकम टू द कंट्री होगी सिर्फ एक्सपोर्ट से होगी. एग्जैक्टली, और एक्सपोर्ट्स के अलावा किसी और चीज से नहीं. अभी डॉलर डेप्रिशिएट हुआ, मुझे आप बताएं कि सियासतदान ने जो ये बुजुर्ग इन्होंने एक्सपोर्टर से कोई कांटेक्ट किया? वो 4% 5% कर रहे हैं एकदम. देखें, इस चीज को भी एकदम नहीं करना चाहिए था. मैं फिर ये कहता हूँ कि ये एकदम सडन स्लाइड जो किया है उन्होंने, ये बहुत गलत किया है कि जो वैल्यू कम कर दी रूपी की, इसको इस तरह करते कि थोड़ा बढ़ाते थोड़ा कम करते ताकि एडजस्टमेंट फैक्टर रहता. इन्होंने एकदम स्लाइड कर दिया, उससे बहुत एक कैओस मच गया है. मार्केट भी एक दफा टेंस हो गई है. जी देखिए ना, क्या पता कैसे अब या तो ऐसा करते कि जो एक तजवीज़ थी कि एक्सपोर्टर्स के लिए रेट अलग होता,
जी और इम्पोर्टर्स के लिए ये अलग पहले होता भी तजावीज हो सकती है, इस पर बात करने के लिए इनको चाहिए बिठा ताकि थोड़ा हार्मनी रहती है दोनों दोनों सेगमेंट्स के अंदर, करना पड़ेगा वरना इंटरनेशनल मार्केट में आपका माल कैसे जाएगा, आप कैसे जाएगा, कॉम्पिटिटिवनेस ही नहीं है। ठीक है, पावर इंडिया चाइना हमसे बहुत आगे है, बिल्कुल आगे, हम कहां से प्रोडक्शन हो रही है, वहाँ यूनिट पे यूनिट बन रहे हैं, वहाँ लेबर 24 घंटे काम कर रही है, 3-3 शिफ्ट वहाँ पे लगते हैं। फिर ये देखें कि ईडीएफ के जो फंड है, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड जो है, वो रिलीज ही नहीं किए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कॉमर्स मिनिस्ट्री को। अब ये देखें कितने बढ़ गए, 30 बिलियन से ज़्यादा हो गए, दे ही नहीं रहे उनको। भाई वो तो उनका एक हक है, 0.25% हर एक्सपोर्ट पे काट रहे थे, उसको जमा होता गया, दो साल से तीन साल से पेमेंट ही नहीं की। ये तो बड़ी ज्यादती की बात है ना, वो कहाँ से पूरा करेंगे अपने वो जो एक्सपेंसेस हैं, जो प्रमोशनल एक्सपेंसेज हैं, जो इस तरह के एक्सपेंसेज हैं कि जो जनरेट कर दें एक्सपोर्ट्स। आप देखें 54 कंट्रीज़ के अंदर हमारे कमर्शियल काउंसलर्स हैं एक्सपोर्ट, ठीक हमारी एक्सपोर्ट से पाँच छः सात मुल्क में है और कहीं नहीं सर, भाई वो बाकी जो 50 प्रोडक्शन क्या कर रहे हैं लोग, प्रोडक्शन होगी एग्जिस्ट में तो आप एक्सपोर्ट्स कर सकोगे, और उस एक्सपोर्ट्स करने के लिए टैरिफ रेट को बेहतर करना पड़ेगा। यही एक्सपोर्टर्स की डिमांड रही थी कि आप टैरिफ रेट को बांग्लादेश और इंडिया जैसा कर दें ताकि हमें मार्जिन मिल सके, हम गवर्नमेंट को भी पैसा कमा कर दे सके, अपना भी काम कर सके। एक्सपोर्टर्स को एक्सपोर्ट रिबेट नहीं मिल रहा, ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिल रहा, वो भी सब रोका हुआ, बिल्कुल 100 बिलियन सुना, 180 बिलियन का पैसा टेक्सटाइल वालों को देना था वो भी नहीं दिया, उसमें भी कुछ बातें हो रही है कि दे देंगे, वो आप मुझे बताएं 1.5 साल हो चुके हैं, उस पे भी कुछ पैसा दिया है, वो भी आटे में नमक के बराबर नहीं है। ये तो वो पार्ट ऑफ देयर कॉस्ट हो जाता है ना, एक्सपोर्टर अपनी कॉस्ट में डाल देते हैं। सवाल ये है मेरा मुस्लिम साहब, इतना कर्जा आया IMF से, अभी एशियन डेवलपमेंट प्रोग्राम में भी दाखिल हो चुके हैं, और वजीर आला पंजाब ने गुज़िश्ता रोज़ बयान दिया कि हम उससे कुछ कर्जा लेकर काम करेंगे। वो तो हमेशा हर IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वो हमेशा, अब उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है पाकिस्तान इकोनॉमी इज इन ए प्रोग्रेसिव स्टेट, वो ये कह के अपने आप को बचा लेते हैं और वो फिर दे देते हैं, नहीं तो और फिर उसको वो ट्रैक रखते हैं, और तो आप जा रहे हैं जब भी तो बोल रहे मालियाती, और आज मुझे एक बात का जवाब दे दें, अपोजिशन का काम है सवाल करें इनसे कि IMF का डेलीगेशन यहाँ क्या कर रहा है, अगर वो कोई असेसमेंट या इंस्पेक्शन करने के लिए आए तो आवाम को बताइए भाई, मालियाती इदारे का डेलीगेशन थोड़ी आपके पास जाएगा, और ऐसे कंट्री के पास जो सिर्फ इनसारी कर्जे पे कर रहा हो। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी कहाँ है, प्राइम मिनिस्टर साहब की बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हफ्तावार ब्रीफिंग करवाकर तमाम तर कॉर्पोरेट के इंडिविजुअल्स को इन्वाइट करके बोलते ताकि उसके हिसाब से आपकी कंसिस्टेंसी नजर आती पॉलिसी बनाने की। सॉरी टू से, प्राइम मिनिस्टर साहब हर चीज देख रहे हैं मगर इकोनॉमी की तरफ उनका इतना बड़ा जो गहरा फोकस होना चाहिए, क्या देख रहे हैं मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब, मुझे नहीं पता कि वो LNG प्रायोरिटीज हैं, लेकिन ये चाहिए कि वो इकोनॉमी को ज्यादा तवज्जो दें, इसलिए यही हमारा ब्रेड एंड बटर है। हजरत से लोगों ने बड़ा बोला कि उन्होंने बड़े एनर्जी के लिए काम किया, सर मुझे बता दें क्या काम हुआ, सिंध में कुछ बेहतरी हुई, वो सिंध एंग्रो वाला प्रोजेक्ट था, ठीक है, अभी इन्होंने डैम बनाए नहीं है, इतनी कंजम्पशन बढ़ रही है, इतनी डिमांड आ रही है, कैसे अभी भी लोड शेडिंग हो रही है, आपको बताऊं सर्दियों में भी लोड शेडिंग, हाइड्रो के अंदर, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के अंदर पाइपलाइन में जो है, मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा काम हुआ था, वो 60-70 प्रोजेक्ट्स हैं जो अंडर इन पाइपलाइन है, आपको पता है, हम तो सिर्फ चंद को जानते हैं कि नंदीपुर है और नीलम झेलम है, ये इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट जो हैं इनको हम देखते हैं, मगर देयर आर अबाउट 60-70 प्रोजेक्ट्स इन द पाइपलाइन। हाइड्रो विंड यूआई भी नहीं हुआ, हाइड्रो विंड पे तो इनको जाना ही नहीं है ना, उन्होंने जो सोचा हुआ है कि रिन्यूएबल एनर्जी पर जाएंगे नहीं, इंडिया इसकी रिन्यूएबल की बातें कर रहा है, बांग्लादेश रिन्यूएबल की, राजी भरोसा भी कुछ नहीं हो रहा, वो उसको भी एक जमाने में कर रहे थे। देखिए हाइड्रो सबसे सस्ती सोर्स ऑफ एनर्जी है, अगर उस पर हम ध्यान देंगे तो हमारे सारे मसाइल जो है एनर्जी की और पावर पे, एनर्जी मिक्स पर ध्यान देना पड़ेगा, तो आप किसी एक पे निस्तार नहीं कर सकते। अब सोलर में वो भी, उसमें भी बहुत सारे प्रोजेक्ट लगा रहे हैं लोग, विंड पावर में भी लगा रहे हैं, बगास में भी लगा रहे हैं, वेस्ट हीट है उससे भी प्रोजेक्ट लग रहे हैं, आपको पता है लकी सीमेंट ने लगा लिया है जी, तो इस तरह के जो इनोवेटिव प्रोजेक्ट हैं वो कुछ बहुत अच्छे लिए हैं, मैं उसको डिनाई नहीं करूंगा, बिल्कुल है कुछ बेहतरी आई है, लेकिन सर मुझे एक चीज ये बता दें, अभी ये जो फेडरल गवर्नमेंट ने 0% लोड शेडिंग की कैंपेन चलाई है, इंडस्ट्रीज में तो लाइट जा रही है, घरों में भी लाइट जा रही है,
जारी है कुछ तो कैसे जारी है, कैंपेन चला रहे हैं किस नहीं नहीं वो तो अभी आप वो तो आप देखें ना इस वक्त अभी थोड़ी सी मौसम बेहतर हुआ है, अगर आप गर्मी आ जाएंगे फिर वही शुरू हो जाएगा एक एक घंटे की और सवा सवा घंटे की लोड शेडिंग। आपने कहा था कि गैस की लोड शेडिंग नहीं होगी, गैस की लोड शेडिंग भी तो हो रही है, इसलिए सर्फेस नहीं हो पा रहे ना जो प्रोजेक्ट पाइपलाइन में वो सर्फेस नहीं होना कम्प्लीट हो पा रहे हैं, हो ही नहीं पा रहे, इसलिए देखे ना एक लेविश एक्सपेंडिचर हो रहा है। क्यों 50,000 गाड़ियां जो है रिकंडीशन इंपोर्ट हो रही हैं जबकि हमारे यहाँ लोकल असेंबलर्स भी हैं, उनके अंदर जो जो प्राइस जो कॉस्ट है उनकी उससे 2.5-2.5 लाख 1.5-1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा मार्केट चल रहा है। वो ठीक है लेकिन उसके अलावा उनको रोक लीजिए ना, उनको इंपोर्ट ही ना करें। मुस्लिम साहब उसके नताइज अगर फूड प्रोडक्ट्स तब तक तो आपके यहाँ इंपोर्ट हो रहे हैं भाई, आप तो एग्रो बेस्ड हैं ठीक है, एग्रीकल्चर सवाल बहुत अच्छा है, एग्रीकल्चर पे क्या काम किया? कुछ नहीं किया गुज़िश्ता 3.5-4 साल में, एग्रीकल्चर पे आपने क्या काम किया? FAO की रिपोर्ट है कि हमारा जो सॉइल है ऑर्गेनिक खत्म होता जा रहा है, उसके अंदर पोटेशियम फॉस्फेट जो है वो कम होते जा रहे हैं। पता इन लोगों को सर के कौन सा आयरन कम होता जा रहा है मुझे नहीं पता। देखिए ना सीधी सी बात है कि जब तक हम ड्रिप इरिगेशन और कैनेपी कल्टीवेशन के ऊपर नहीं जाएंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि हम कितना पानी हम इस यूटिलाइज करते हैं। एग्रीकल्चर का कोई मिनिस्टर है करके अंदर एग्रीकल्चर का कोई मिनिस्टर है कोई फोरकास्ट कर रहा है कि किस लैंड में 4 साल बाद क्या प्रॉब्लम आएगी, कौन सा केमिकल डालना होगा? जो है भी उसको भी वो नहीं हैंडल कर पा रहे हैं ना, सीधी सी बात ये है कि और हम इंपोर्ट करना चाह रहे हैं बाहर से सर, तो इम्पोर्ट कैसे कम होगा? टोमेटोज गार्लिक ये चीजें हमारे अपने यहाँ काश्त होती हैं और हम इनको सस्ता करने की कोशिश करें ताकि कॉस्ट ऑफ डूइंग कैसे सस्ता करेंगे जिस मुल्क में टमाटर 200 रुपए किलो मिल रहे हो फरोख्त हो रहे हो और टमाटर कोई कोर फूड 250 रुपए था ठीक है, अब जाके 170 हुआ है, सपोर्टिंग रॉ मटेरियल के तौर पर जो है अशिया के तौर पर वो खानों में डलता है तो उसमें कुछ इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, तो इस मुल्क का तो कोई मील तैयारी नहीं होती बगैर उनके एंसिलरी आइटम्स के बगैर हो ही नहीं सकती। ठीक है मोहसिन साहब ब्रेक का कह रहे हैं हमसे, ठीक है एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक पे जब वापस आएंगे तो कुछ मजीद बात करेंगे कि इंटरनेशनल मार्केट में हो क्या रहा है, फॉरनर्स के साथ हम ट्रेडिंग कैसे बढ़ा सकते हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, डू नॉट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक, स्टे विद अस।